गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय, आई एम नितिन सिंह. वेल, इन दिस वीडियो ना मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ. एक ऑडियो क्लिप है SBI की तरफ से, जिसमें मेरे एक वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैज जस्ट कॉल्ड देम, और वहां से एक अच्छी खासी रिकॉर्डिंग सुनने को मिली है. मेरे को ये लगता है कि ये रिकॉर्डिंग शायद आप सुनोगे तो आपके बहुत व्यूज क्लियर हो गए, क्योंकि जो न्यूज एक स्प्रेड हुई है पूरे मार्केट में, अब मैं नहीं चाहता उन लोगों का नाम लेना, आप लोग खुद ही जानते हो. बस सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये ऑडियो पूरा सुनो और फिर खुद ही समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग को. एक मिनट, हाँ, ये भी वन मिनट. अभी जो SBI जूनियर असिस्टेंट जूनियर जो SBI जो क्लर्क का SBI क्लर्क का एग्जाम हुआ था मार्च में, सर उसका रिजल्ट कब तक आएगा? डेट फाइनलाइज नहीं है सर, अभी जब भी डेट फाइनलाइज होगा हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे, आप वेबसाइट पे देख लीजिए. अच्छा सर, बहुत दिन हो गया है क्योंकि हाँ जी और भी दिन लग सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि कल ही परसों आना है, और ज्यादा दिन भी लग सकता है. एग्जाम सर कब तक होगा ये कुछ मालूम है सर? नहीं सर, वही तो बात है ना कि एग्जाम का डेट आ जाए तब ये भी मिल जाएगा. अच्छा ठीक है, एग्जाम का डेट जब तक नहीं आता हाँ तब तक रिजल्ट नहीं लगेगा. ओके सर, तो थोड़ा जल्दी हो क्योंकि काफी दिन हो गया है. मैंने वो बोला ना, ऐसा जरूरी नहीं कि अगले 10 दिन में आएगा ही आएगा. और सर एक बात कहना था कि इस बार तो चलिए बहुत लेट से आएगा एग्जाम, लेट से होगा, तो लास्ट ईयर क्या SBI का वैकेंसी आएगा या कैंसल हो जाएगा? क्योंकि काम तो नेक्स्ट ईयर का वैकेंसी अभी क्यों आएगा, मैं समझा नहीं आपने. नेक्स्ट ईयर सर वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा? तो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे सर, अभी जो हाथ में है वो देखें, है ना. अच्छा, जो हाथ में वो देखें ना, अभी उसके बारे में बात कर सकते हैं. ओके सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू. सो गाइस, आई थिंक ये जो ऑडियो क्लिप है बहुत चीज क्लियर कर देता है कि उन लोगों को खुद को ही नहीं पता कि एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है. और जो ये न्यूज जिस भी चैनल ने स्प्रेड करी है कि 31 को एग्जाम होने वाली है, आई थिंक या तो वो भगवान है या वो, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि खुद वो आगे वाला बोल रहा है कि 10 दिन भी लग सकते, ऐसा नहीं कि कल परसों में आ जाए, नहीं पता उन लोग को खुद को भी. सो मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आई वांट टू से ना, कि आप लोग ऐसी कोई भी रूमर्स पे ना बिलीव मत करिए यार. आप लोग एक गवर्नमेंट के एग्जाम देते हो, आप लोग प्रिपरेशन करते हो, मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग की एक जो समझने की क्षमता है वो काफी अच्छी है. मैं जानता हूं कुछ लोग होते हैं जो कि जानबूझ के क्रिएट करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग करने के लिए, उनका बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी होती है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम. एक तो आप लोग जानते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम फरवरी में हुई थी, मेरी खुद की एग्जाम 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट था. अभी आज तारीख है 7 अक्टूबर, आई थिंक इट्स मोर देन 8 मंथ, मतलब मोर देन 7 मंथ हो चुका है. RRB की एग्जाम, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कराया. यार गाइस देखो, आप भी जानते हो RRB क्लर्क के अंदर मोर देन 8 लाख थे, PO के अंदर मोर देन 5 लाख लोगों ने अपियर किया था. जब आप लोग लाखों लोगों की एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, मगर यदि उसका 10 गुना या 12 गुना बच्चों को सिलेक्ट करके एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ Scale 2 और Scale 3 की कराते हो, तो गाइस आप लोग भी जानते हो कि वो लोग भी बेवकूफ नहीं बैठे. IBPS वाले बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग भैया लाखों बच्चों के एग्जाम तो कंडक्ट करवा दे मगर 1000 बच्चों की नहीं कराए. देर माइट बी सम रीजन, बट वो रीजन क्या है ना तो वो आपको पता है, ना वो मेरे को पता है, ना ही वो कोई इंस्टीट्यूट वाले को पता है, वो सिर्फ IBPS वालों को ही पता है. सो बस जो लोग ये बोलते हैं ना कि एग्जाम अब होने वाली है, तब होने वाली है, बिल्कुल विश्वास मत करो. मैं सिर्फ ये बोलूंगा आप लोग को कि चीजें आप जो जिस रिदम से पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी रिदम से पढ़ाई करो. मोर इम्पोर्टेंटली 10 और 11 को पेपर होने वाला है, पहले वो पेपर पे ध्यान दो, उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो. मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि एक बार रिदम टूटता है ना पढ़ाई का, बहुत गंदा ब्रेक होता है फ्लो आपका. सो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो, जो एक पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ रहे हो, उसी तरीके से पढ़िए, काफी हेल्प मिलेगी. मोर इम्पोर्टेंटली GK कंप्यूटर को काफी अच्छे से पढ़ो. अभी टाइम है क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट फिक्स हुई नहीं है, चाहे वो RRB हो या स्टेट बैंक की एग्जाम हो या RBI असिस्टेंट की एग्जाम हो,
कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। और कंप्यूटर और जीके ये आरबीआई के अंदर भी आने वाला है और आरआरबी के अंदर भी आने वाला है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे काफी अच्छे से फोकस करो और काफी डिटेल तरीके से पढ़ो। मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि ये मेरे ग्रुप में भी वही चल रहा है, टेलीग्राम का ग्रुप है नितिन का निरीक्षण, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी यही चल रहा है बहसबाजी, और भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां भी यही बहसबाजी चलती कि भैया कल आएगा, मैंने सपना देखा एसबीआई का, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, ये हो रहा है, सब फालतू बातें हैं। आई जस्ट से कि ऐसी चीजों विश्वास करो मत, एग्जाम है उस पर फोकस करो। मैं भी बस जीके का ही पढ़ रहा था, मेरे ग्रुप पे मैंने चैटिंग देखी लोगों की काफी मिसलीड, उस दिन मतलब दो तीन दिन पहले ही मेरे को मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे जब ये न्यूज आई थी कि 31 को सेंटर बुक हो गया, रिजल्ट आने वाला है, ये एग्जाम होने वाली है। मैंने रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं ये बात रिएक्ट वाली है ही नहीं, एक टाइम क्या आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होने वाली, वो खुद ही बोल रहे कि जब तक डेट फाइनलाइज नहीं होगी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाली, तो सिंपल एज दैट। बाकी यदि ये वीडियो, मैं बोलूंगा ये वीडियो काफी जेन्युइन है, स्प्रेड करना, यदि अच्छी लगे तो बताना अपना भी कमेंट कि भैया आप लोग को क्या लगता है, मैंने कोई गलत बात हुई होगी बोली होगी तो डेफिनेटली गाली भी मार देना, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, बट मुझे लगा है कि मैंने काफी एक सही तरीके से बात बोली है, रिकॉर्डिंग सुना दी है, आप लोग शायद अब अच्छे से पढ़ोगे और एग्जाम पे फोकस करोगे, और जिसका 10 और 11 को पेपर है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मैं 10 तारीख को मेरे खुद दो तीन दोस्त हैं इनकी एग्जाम है तो मैं उनका रिव्यू शेयर करूंगा डेफिनेटली आप लोगों से, और मैं कोई भी ऐसा रिव्यू शेयर नहीं करता हूं जो कहीं का सुना सुनाया है, मैं हर चीज डिटेल में बताऊंगा। सो जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे भी ग्रुप है भाई, वहां ज्वाइन कर सकते हो @NitinkaNirakshan, वहां पे काफी PDF शेयर कर रहा हूं, बाकी कुछ गलती हुई होगी तो आई एम रियली सॉरी, बाकी किसी का छोटा भाई हूं तो किसी के बड़ा भाई हूं, और मिलते हैं आने वाली अपकमिंग वीडियो में, टिल देन सी यू, जय श्री राम, राम राम।